हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी रिच लिविंग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला की रेसिपी। तो मशरूम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड किया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, कोई भी रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तेल जब गर्म हो जाए, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, हींग और फाइनली चॉप्ड जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज। इन सबको अच्छे से सॉटे करने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटे साइज का प्याज कट करके ऐड करूँगी। इसको भी हम अच्छे से सॉटे करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे प्याज अच्छे से पक जाता है। जब प्याज अच्छे से सॉटे हो जाए तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, बस मैं इसको ग्रेवी को कलर देने के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको बस 30 सेकेंड्स के लिए हम मिक्स करेंगे। मसाला जल ना जाए उससे पहले हम यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करी है। अब इस मसाले को मैं 2 से 3 मिनट मीडियम गैस पे ही ऐसे पका लूँगी। और जब ये मसाला थोड़ा सा थिक हो जाए और ये थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, तब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 4 टेबल स्पून दही। दही को ऐड करने से पहले आप अच्छे से इसे फेंट लें और ऐड करते टाइम इस मसाले को आप कंटिन्यूसली चलाते रहें, ताकि दही जब आपकी ग्रेवी में डलेगा तो फटे ना। इस मसाले को मैं 2 से 3 मिनट ऐसे ही पका लूँगी और कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा अपना ऑयल इसमें से रिलीज़ करेगा और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे मसाले। तो मसाले में मैंने केवल जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है। दोनों की क्वांटिटी मैंने 1/2 टीस्पून रखी है। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए आप ढक कर पकाएं। बीच में आप एक बार चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे मसाले में बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये अपना सारा जो इसमें ऑयल था वो इसने रिलीज कर दिया है। अब 5 मिनट बाद जब मसाला अच्छे से पक गया है, तब यहाँ पे हम मैं ऐड करूँगी मशरूम। तो मशरूम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंगली बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं या एज अ होल भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से मशरूम को मिक्स कर दूंगी ताकि सारा मसाला इस मशरूम्स पे कोट हो जाए और फिर इसे ढककर हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और फिर देखेंगे कि आप मशरूम ने काफ़ी अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट हम मैंने इसलिए पहले इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि मशरूम ऑलरेडी काफ़ी पानी छोड़ता है। एक बार मशरूम ने जब अपना पूरा पानी छोड़ दिया तब मैंने यहाँ पर ऐड किया है सॉल्ट। और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप फिर से अच्छे से इस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे ढक से ढककर पकाएं।
तो मतलब टोटल टाइम इस ग्रेवी को पकने के लिए आप 10 मिनट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकाया है ताकि ये जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी अच्छी लगे, इसका कलर जो है ना काफ़ी अच्छा है। और देखिए आप यहाँ पे ऑयल देख सकते हैं कि कितना अच्छे से फ्लोट हो रहा है। तो बस मुझे यही स्टेज चाहिए थी मशरूम को अच्छे से पकाने के लिए। लाइक इसका जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब मैं लास्ट में ऐड करूँगी यहाँ पे बस 2 चुटकी से गरम मसाला। मैंने ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 मिनट और पका लूँगी और यहाँ पर फिर मेरा मशरूम मसाला रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला बनकर रेडी हुआ है और ये काफ़ी टेस्टी बना था। प्लीज़ गाइस इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे सर्व करें नान, रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी, ये बहुत ही यम्मी लगने वाली है। तो गाइस प्लीज़ ज़रूर इसे घर में ट्राई करें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ।